सो हाय एवरीवन, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नंदलाल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डायलर के टोन को आप कैसे चेंज कर सकते हो अलग अलग तरह से। सो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहना। सो दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी स्मार्टफोन है तो आप अपने डायलर के ट्यून को आप कैसे चेंज कर सकते हो, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, अगर अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नेम है नंदलाल कुमार 19, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास रेडमी स्मार्टफोन है तो आप अपने डायलर ट्यून को आप कैसे चेंज कर सकते हो। इस ट्यून को सुन के फ्रेंड्स आप बोर हो गए, दबाते हैं तो देखिए इस प्रकार इंटरफेस मिलता है, इस तरह का ट्यून होता है। तो आप इसको चेंज कैसे कर सकते हो, अगर इसको बदलना चाहते हो फ्रेंड्स बिल्कुल अब तो इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है अपने डायलर में आके। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइज आपको इस प्रकार इंटरफेस मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग में क्लिक कीजिएगा। एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस प्रकार इंटरफेस मिलता है यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट में ही डायल पैड टच ट्यून, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा डायल पैड टच ट्यून, यहाँ पे आप टोन्स में जो है फ्रेंड डिफॉल्ट को हटा के आप पियानो कीज कर दीजिएगा। पियानो कीज करने के बाद फ्रेंड्स आपका पियानो मोड में आपका डायल टोन एनेबल हो जाएगा। जैसे भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ट्यून। तो इस तरह आप हिस्ट्री को एक बार फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह आप अपने रेडमी स्मार्टफोन में अपने डायलर ट्यून को आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए यूजफुल ट्रिक लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला था। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।